press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को। और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर एस जयशंकर साहब का जो पाकिस्तानी दौरा है उस पर। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। और आज हम एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको नायला पाकिस्तानी पर देने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी नाजिया खान और शायला खान आती है आपके लिए कुछ बड़ा बम्पर लेके आते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, एक बहुत ही खूबसूरत नाम, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी। और भारत ने एक और बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान पर कि SCO मीटिंग जो कि इस्लामाबाद में 15-16 को कंडक्ट होने जा रही है, उस समिट में डॉक्टर एस जयशंकर फाइनली इंडिया को पाकिस्तान में इस वक्त खुशी का समय है। हम तो जाहिर है हिंदुस्तानियों का बड़ा दिल से स्वागत करते हैं, एयरपोर्ट पे भी करेंगे, मीटिंग में भी करेंगे, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे। और ये देखिए कहीं ना कहीं पर इसमें बहुत से लोगों के मन में बड़े सवाल होंगे, क्या कश्मीर पे बात होगी, क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात होगी, क्या ये जो ट्रेड बंद है, वीजाज बंद है, क्या इसके ऊपर बात होगी। तो डेफिनेटली बहुत से मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये एक प्लस पॉइंट है, हो सकता है कि शायद 2024 इंडिया और पाकिस्तान के बीच नई रिलेशनशिप का आगाज हो, कोई बायलैटरल टॉक्स हो। और डॉक्टर एस जयशंकर जाहिर है जो स्टेटमेंट यहाँ पर अपना रिपोर्ट करवा के जाएंगे वो 140 करोड़ इंडियन का स्टेटमेंट होगा, और हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बड़ी उम्मीद से इंडिया को देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इंडिया इस दफा हमें नाउम्मीद नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा, और हो सकता है कि हमारे बीच कुछ दोस्ती का आगाज हो जाए। बहुत बड़ी पर्सनालिटी पाकिस्तान जो है आने वाली है डॉक्टर एस जयशंकर, और इस पे बात करेंगे वन एंड ओनली नाजिया लाई खान। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। आज आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल आपके तो गाल जो है वो सेब की तरह लाल हो रहे हैं। और बहुत 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 शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट और इतने जबरदस्त टॉपिक पर। थैंक यू सो मच शैला। बिल्कुल, टॉपिक भी अच्छा है और सवाल भी बड़े अच्छे हम आपसे पूछेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर की इस टाइम पर पाकिस्तान में एंट्री, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक भी पाकिस्तान में मौजूद है, शायद हो सकता है कि इस वजह से डिसाइड किया हो कि जाकिर नाइक जा सकते हैं तो डॉक्टर एस जयशंकर क्यों नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान को कि भारत का जेम्स बॉन्ड जी और भारत की सरकार का बैकबोन और डॉक्टर एस जयशंकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक बात पर, हर एक मशवरे को पर खरे उतरते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर वो हैं और अजित डोवल जी, ये दो लोग वो हैं जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें जैसे मान ली जाए, दो आंखें। तो जब दो, एक व्यक्ति के पास अगर दो आंखें ना हो तो वो कैसा हो जाता है, तो उसी तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें हैं और भारत के नागरिक के लिए जो इस भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग, भारत के वो लोग डॉक्टर एस जयशंकर को अपना जेम्स बॉन्ड मानते हैं। और मैं तो पिछले 2 साल से बोल रही हूँ आप लोगों को, डेफिनेटली SCO की समिट इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को हो रही है, और एट लास्ट हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये घोषणा की गई कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री, हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर ना पाकिस्तान और टेररिज्म की फैक्ट्री के सरजमीन पर अपना कदम रखने वाले हैं। आपने जाकिर नायक की बात कही है, तो अभी पिछले 4 दिनों से
आप लोग हेट स्पीच सुन रहे हैं, बहुत सारा शरिया सुन रहे हैं, बहुत सारा इस्लामिक बातें सुन रहे हैं कि कैसे चार बीवियां रखनी चाहिए, कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को मारना चाहिए, कैसे यतीम बेटियों को महरम और नामहरम करके जलील करना चाहिए। अब एक सिविलाइज्ड देश के व्यक्ति को सुनिएगा, एक सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को सुनिएगा, अच्छा, एक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़े हुए व्यक्ति को सुनिएगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके औकात कैसे याद दिलाई जाएगी पाकिस्तान की, ये सुनिएगा। एक और बहुत अच्छी बात है, और हमें भी इस बात से बहुत गौरव फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सुषमा स्वराज जी के बाद जो 2015 में एज अ फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी का विजिट हुआ था, उसके बाद 2015 के बाद उरी अटैक जो सामने आया था, उन्होंने उस उरी अटैक ने और उस पाकिस्तान की टेररिज्म एक्टिविटीज और टेररिज्म नेचर की वजह से पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर में इतना ज्यादा फासला हो चुका था कि कहीं ना कहीं एक एक कड़वाहट नजर आ रही थी। लेकिन 2015 के बाद आफ्टर ऑल एट लास्ट हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं जेम्स बॉन्ड की तरह वहां पर पहुंच रहे हैं। अब मैं इसको आपको बहुत अच्छे से आपके व्यूअर्स को और आपको समझाना चाहती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है या उनके साथ मुगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि वहां पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, और हमारी ट्रीटी और बायलेटरल के रिलेशंस इतने खूबसूरत इन लोगों से होने के वजह से डॉक्टर एस जयशंकर का जाना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि मेरा भारत बहुत सिविलाइज्ड देश है, क्योंकि मेरे भारत में गरीब बेटियों को, यतीम बेटियों को महरम और गैर महरम बोल करके बेइज्जत नहीं किया जाता है, बल्कि अभी नवरात्रि आ रही है, आ चुकी है, और 90 दिन हम लोग 9 बेटियों के पैर धोते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और उनको उनको हम सजाते हैं, बिल्कुल देवी माँ की तरह सजाते हैं। तो हम हमारे डॉक्टर एस जयशंकर उन प्रथाओं के और उस धर्म के मानने वाले हैं, तो वहां जा करके जिस हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे वो सुनने के लिए पूरी दुनिया बेचैन हो रही है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर की बात बहुत फेयरलेस होती है, बहुत करिश्मेटिक होती है, बहुत डायनामिक होती है, और हालिया में हमने जिस हिसाब से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर की बात सुनी थी कि पाकिस्तान को जीडीपी से नहीं मेजरमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से मेजरमेंट करना चाहिए, याद ही होगा आपको, 4-5 दिन पहले की बात है। तो भारत ने भारत है स्लैप डाउन पाकिस्तान मेनी टाइम्स, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और घर में घुस करके मारना और घर में घुस करके औकात याद दिलाना, हम सनातनियों की बहुत पुरानी आदत है। तो आई एम वेरी हैप्पी जहाँ पे आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान के बीच तल्ख कलामियों के यूनाइटेड नेशन में, ये तो काफी टाइम से चलता आ रहा है। हमारे शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अगर आप कश्मीर की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा, और उसके जवाब में फिर डॉक्टर अजय शंकर ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। लेकिन यहाँ पर नाजर जी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, एक बड़ी खुशखबरी ये है कि काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी ना छोटी मुलाकात हुई ना बड़ी मुलाकात हुई। अभी अगर हम अमेरिका की बात करें तो मोदी साहब भी वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, लेकिन इनके बीच कोई बात नहीं। हाँ, बैकडोर हो सकता है कोई मुलाकात की हो, कोई प्राइवेट डिनर हो, लेकिन ऑफिशियली खैर नहीं आए। नेताओं की आप कसम ना खाएं, होता रहता है, ठीक है, अच्छा, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया। तो इससे ये भी तो कहीं ना कहीं पर हम एक प्लस पॉइंट उठा सकते हैं कि भारत का पाकिस्तान की सरजमीन पर पैर रखना बहुत अरसे के बाद, हो सकता है कि हम दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज हो जाए, हो सकता है कि मसला कश्मीर को डिस्कस किया जाए, हो सकता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसका इंडिया हर फोरम के ऊपर जिक्र करता है, क्या पता इस दफा हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट तैयार कर ही ली हो, क्योंकि जब डॉक्टर अजय शंकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया फिर सुनती है उसको।
सबसे पहले शैला मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया, तुच्छे लोगों को छोड़ दीजिए, चवन्नी छाप और अठन्नी छाप को छोड़ दीजिए, ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि नाजिया इलाही खान का चेहरा बहुत रेनाउंड है एज अ पॉलिटिकल फिगर, एज अ स्पीकर। क्या इस बात से पाकिस्तान डिनाई कर सकता है, क्या इस बात से गल्फ कंट्रीज डिनाई कर सकती है, क्या इस बात से भारत डिनाई कर सकता है, क्या इस बात से अमेरिका या रशिया डिनाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री की कोई मुलाकात अमेरिका के क्वाड के मीटिंग में पाकिस्तान के वजीर आजम से नहीं हुई थी। दूसरी बात मैं आपको एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर मैं बता दूं और बहुत जिम्मेदारी से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी से मिलते हैं तो प्रखर होकर के दुनिया के सामने मिलते हैं, बिहाइंड द कर्टन कभी मिलना वो पसंद नहीं करते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेरे भारत के प्रधानमंत्री क्या, आपके वजीर आजम तो किसी से भी नहीं मिल पाए थे क्योंकि उनको तो एक कमरे में ही बंद कर दिया गया था, उनकी औकात ही नहीं थी किसी से मिलने की। नहीं नहीं, उनके सेहत डिस्टर्ब हो जाती है, आप समझा करें। ये बहुत अच्छा बहाना है, ये बहुत अच्छा बहाना है, बहुत। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। तो वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।